नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यव्रत सॉन्ग राइटर। हमारे गाना लिखो चैनल में सभी सिंगरों और दोस्तों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि सिंगर अपना मधुर आवाज़ कैसे बना सकते हैं, कैसे अगर उनका आवाज़ बहुत मोटा है और वह गाते हैं गाना तो उनका आवाज़ मधुर नहीं निकलता है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊँगा जिसका उपयोग करके आपका आवाज़ जो है वह एकदम मधुर हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन का घंटी उसे भी दबाइए हल करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा और तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मधुर आवाज़ करने के लिए सबसे पहले आता है मुलेठी। मुलेठी को आप खरीद लीजिए और उसे दिन में 3 बार चूसे, सुबह, दोपहर और शाम। मुलेठी गले के बीमारियों को ख़त्म करता है। मुलेठी लकड़ी के जैसी होती है। दूसरा है पानी। अगर आप कम पानी पीते हैं तो अब आप ज़्यादा पानी पीना चालू कर दीजिए। जब आपके शरीर में भरपूर पानी रहेगा तभी आप सही से बोल गा पाएंगे। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आधा घंटा या 20 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। पानी ऐसा पीजिए कि आपको ऐसा लगे कि आपका पेट पानी पीने से भर गया हो। तीसरा है बुक पेपर। जब भी आप किताब पेपर पढ़ें तो बोलकर पढ़ें, मन में नहीं पढ़ना है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके गले का प्रयोग होगा और आपकी आवाज़ अच्छी होती जाएगी। चौथा है नाक। नाक से बोलना बंद कर दीजिए, ज़्यादा मुंह से बोलना चालू कर दीजिए, क्योंकि नाक से बोलने वाले व्यक्ति कभी भी उनकी आवाज़ मधुर नहीं हो पाती है और ना ही कभी वह अच्छे से गाना गा पाते हैं। पाँचवा है खट्टा। अगर आप मधुर आवाज़ अपना बनाना चाहते हैं तो आप खट्टी चीज़ मत खाइए। खट्टी चीज़ गले के लिए बहुत हानिकारक होती है। मीठे फल ज़्यादा खा सकते हैं और ज़्यादा दही भी खाना बंद कर दीजिए। छठवां है मधु का रस। मधुर आवाज़ बनाने के लिए मधु का रस भी बहुत उपयोगी माना जाता है। मधु का रस हर रोज दिन में 2 या 3 बार चाटिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत लाभदायक होगा मधुर आवाज़ बनाने के लिए। सातवां है मरीच। मरीच भी मुंह में डालकर 1 या 2 हर रोज दांत से फोड़कर धीरे धीरे चूसे, गले के लिए लाभदायक होगा। आठवां है गाना गाएं। हर रोज एक गाना चुने और गाएं। हर रोज गाना गाने से आपकी गाना गाने की आदत बन जाएगी और आप एक दिन अच्छे से अच्छा गाना गाने लगेंगे। और हर तरह के गाना गाएं, चाहे वह नया हो चाहे पुराना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा क्या आपका सलाह और सुझाव है।